के साथ बदलते भारत की शान। बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र, CSC से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड करें या किसान कॉल सेंटर पर फोन करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। बेनिफिशियरी स्टेटस को लेकर पीएम किसान पोर्टल में बड़ा बदलाव। अब स्टेटस देखने के लिए होगी रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत। भविष्य में सबसे जबरदस्त कृषि उत्पाद बनेगा एथेनॉल। बहुरेंगे धान, गेहूं, मक्का और ज्वार उपजाने वाले किसानों के दिन। देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश का दौर। जून महीने में औसत से 10% कम हुई बारिश। IMD का अनुमान, जुलाई में सामान्य होगी बारिश। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थी स्टेटस देखने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। बेनिफिशियरी स्टेटस को देखने के लिए अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। इसके अलावा फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। ये ऐप किसानों के चेहरे को वेरीफाई करेगा और उसी आधार पर पीएम किसान का पैसा उसके खाते में जमा कराया जाएगा। पीएम किसान की 14वीं किस्त आने वाली है, जिसमें ये खास तरह का मोबाइल ऐप बहुत मदद करेगा और अब लाभार्थी के लिए वन टाइम पासवर्ड और फिंगरप्रिंट देने की जरूरत नहीं होगी। पीएम किसान का नया ऐप उपयोग में बहुत सरल है, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप किसानों को योजना और पीएम किसान खातों से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा। मोटे अनाजों को लोगों की थाली तक पहुंचाने की कोशिश अब रंग लाने लगी है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर के जरिए इसका देश और दुनिया में जमकर प्रचार हो रहा है। अब मोटे अनाज के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है, इसकी पुष्टि एक सर्वे में भी हुई है। खाद्य ब्रांडों, मिलों और थोक विक्रेताओं के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि मोटे अनाज यानी स्त्री अन्न के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। इसकी बड़ी वजह मिलेट ईयर है, क्योंकि इसकी वजह से बाजरा, रागी, ज्वार, सावा और कोदो जैसे श्री अन्न के फायदे के बारे में जानकारी आम लोगों तक पहुंची है, इसलिए लोग इसे अपनी थाली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर किसान भी मोटे अनाजों की बुआई बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मोदी सरकार अब गाड़ियों में डलने वाले पेट्रोल में इथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% करने का प्रयास कर रही है।
यदि ऐसा हुआ तो पेट्रोल की कीमतों में भारी कमी देखने को मिल सकती है। गडकरी ने कहा कि इससे देश की करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचेगी। केंद्र सरकार ने साल 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। दिनों दिन जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है, उससे गेहूं की पैदावार गिरने की आशंका जताई जा रही है। इस आशंका को देखते हुए एक्सपर्ट गेहूं का कोई और विकल्प ढूंढने पर जोर दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि गेहूं का सबसे अच्छा विकल्प ज्वार हो सकता है। दुनिया में जितने भी गेहूं प्रधान देश हैं, वहां गर्मी और जलवायु परिवर्तन ने गेहूं की पैदावार को प्रभावित किया है। इनमें एक देश भारत भी है, इसलिए गेहूं के बदले उस फसल पर ध्यान दिया जा रहा है जो उसकी भरपाई कर सके। इसमें सबसे पहला नाम ज्वार का है, जो मोटे अनाज में शामिल है। चूंकि मोटे अनाजों पर गर्मी का असर कम होता है, बारिश या सिंचाई की भी जरूरत कम होती है, इसलिए ज्वार गेहूं का अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। हर किसान पारंपरिक उर्वरकों को छोड़कर अब नैनो यूरिया और डीएपी का अपने खेतों में स्प्रे करे, ऐसा सरकार का सपना है। इसलिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको ने 2500 किसान ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक नैनो यूरिया की 5 करोड़ से ज्यादा बोतलें बिक चुकी हैं। बहरहाल इफको ने 2500 किसान ड्रोन खरीदने के लिए एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जो प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि दृष्टिकोण से प्रेरित है। इफको के उत्पादों नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव के लिए स्प्रे समाधान के रूप में ये ड्रोन काम करेंगे। ड्रोन के इस संयोजन से लगभग 5000 ग्रामीण उद्यमियों का विकास होगा, जिन्हें इफको द्वारा ड्रोन छिड़काव के लिए प्रशिक्षित करने के लिए पहचाना गया है। देश भर में मॉनसून दस्तक दे चुका है, लेकिन अभी इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो पूरे देश में जुलाई में मॉनसून सामान्य रहने की संभावना है और पूरे महीने तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के दौरान पूरे देश में बारिश औसत ही रहेगी। जून में कम से कम 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से कम बारिश हुई। इनमें बिहार और केरल में क्रमशः सामान्य से 69% और 60% भारी कमी दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के पहले महीने जून में सामान्य से कम बारिश हुई। फिलहाल यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, जहां केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लहसुन किसानों के लिए कई नए अवसर पैदा हो रहे हैं। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल, चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ेगी, पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का mandi.com में, और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मंदसौर अच्छी गुणवत्ता वाली लहसुन के उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने और कोलेस्ट्रॉल कम करने जैसे गुणों की वजह से लहसुन की मांग बढ़ी, तो मंदसौर जिला प्रशासन ने भी लहसुन की ब्रांडिंग की पूरी तैयारी कर ली। केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग के साथ साथ दूसरे शहरों में भी सप्लाई के लिए किसानों की कंपनियां भी बनाई गई हैं।
मंदसौर से mandi.com की देखिए ये खास रिपोर्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। हमको आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है और इसके लिए हमने एक अभिनव योजना बनाई है, एक जिला एक उत्पाद। और मुझे प्रसन्नता है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले ने लहसुन का चयन किया है। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ और अफीम के लिए तो पहले से ही मशहूर है, लेकिन लहसुन अब मंदसौर की नई पहचान बन गई है, क्योंकि मंदसौर की लहसुन यानी गार्लिक एक ब्रांड बनता जा रहा है। यहाँ की लहसुन की मांग दक्षिण भारत में तो पहले से ही थी, लेकिन अब इसकी डिमांड दुबई और सिंगापुर में भी होने लगी है। यानी सात समंदर पार दुनिया के बाजार में मंदसौर की लहसुन अपनी पहचान बना रही है। मंदसौर जिला प्रशासन भी गार्लिक के ब्रांडिंग को लेकर खूब तैयारी कर रही है, क्योंकि राज्य सरकार खुद गार्लिक मंदसौर की ब्रांडिंग में शामिल है। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना धीरे धीरे असर दिखाने लगी है। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला पूरी दुनिया में अपने शानदार लहसुन के लिए विख्यात है, और इसलिए इस योजना के तहत लहसुन को ही मंदसौर जिले का उत्पाद चुना गया है। ऐसे में लहसुन की खेती से अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने वाले मंदसौर के किसानों के लिए भविष्य में पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के दरवाजे भी खुलने के आसार हैं। खास तौर पर मंदसौर में हाल ही में बढ़ी FPOs की संख्या से किसानों को और मदद मिलने की उम्मीद है। दुनिया के तमाम देशों तक मंदसौर की लहसुन पहुंचे, इसके लिए स्थानीय FPO प्रशासन के साथ मिलकर लहसुन की पैकेजिंग, क्वालिटी में निखार, रख रखाव और एक्सपोर्ट के लिए सरलता के साथ साथ तमाम पहलुओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छी पैकेजिंग, बेहतर क्वालिटी और एक्सपोर्ट में सरलता को लेकर मंदसौर FPO जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर नित्य नए प्रयोग भी कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमारा जो है कि किसान को अपना दाम नहीं मिल पाता है फसल का, इसी के लिए एक जिला उत्पाद की स्कीम चालू की गई है। इसमें क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट जिसका अच्छा प्रोडक्शन करता है या इसका अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, उसी क्रॉप को हम लेके और आके उसकी एक प्लानिंग कर रहे हैं कि इसी को हम कैसे लिंकेज किया जाए और इसको इसके बाय प्रोडक्ट हम क्या क्या बना सकते हैं। जो बाय प्रोडक्ट हमारे दूर जाके बनते थे, वो हमारे इसी ग्रामीण इलाके में गांव में हम बनाएं। नए प्रयोग के तहत किसान उत्पादक संगठन यानी FPO छोटे किसानों को शुरू से अंत तक सहयोग और सेवाएं प्रदान करता है, जिसके तहत तकनीकी सेवाओं, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और खेती के इनपुट तथा आउटपुट के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। FPO के माध्यम से किसान संगठित होकर लहसुन की खेती को नया आयाम दे रहे हैं। क्या एक तो लहसुन का डेयरी का सिस्टम है और यहाँ पे लहसुन के ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा है, 14 से 15 ट्रेडर्स हैं। तो डेयरी होती है, फिर सरकारी बोली चलती है, उसके बाद तो 1,000 जनों 500 जनों के बीच में डेयरी बिकती है, इसलिए किसानों को क्या भाव अच्छा मिलता है उससे। मंदसौर जिले में लहसुन की खेती अब यहां के स्थानीय किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है, क्योंकि लहसुन की क्वालिटी में सुधार और प्रशिक्षण के बाद किसानों ने समूह बनाकर लहसुन के बने उत्पाद पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जो खूब कारगर साबित हो रहे हैं। लहसुन के बने उत्पाद की वजह से यहाँ के किसानों को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। शासन ने भी जिले की लहसुन की क्वालिटी को देखकर इसे एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया है। ऐसे में शासन इसकी ब्रांडिंग कर रहा है, जिससे मांग बढ़ रही है, जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रही है। एक जिला एक उत्पाद जो है उसके अंतर्गत हमारे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट को हमको गार्लिक यानी कि लहसुन की लहसुन मिला है,
और लहसुन के लिए हमारे यहाँ पे जो है किसान अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, उसी प्रोडक्शन को एक तो हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, दूसरा उसकी क्वालिटी मेंटेन करना है, और इसी के लिए हमारे हमने कुछ एक्सटेंशन प्लान करके इसका एक्शन प्लान भेजा है स्टेट लेवल पे, उसके तहत हमको कुछ उच्च क्वालिटी का सीड मिलेगा जो हम किसानों को देंगे, और उससे उच्च क्वालिटी का जो हमारा लहसुन प्रोडक्शन होगा, जो कि हम यहाँ पे हम छोटे छोटे उद्योग जो है हम लगा रहे हैं, जिसमें कि जो ODOP के अंतर्गत PMAP स्कीम में उनको 35% तक सब्सिडी पार्ट है, तो जब हमारा प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनको अच्छी क्वालिटी का लहसुन मिलेगा, तो हमारा जो बाय प्रोडक्ट है चाहे पेस्ट हो पाउडर हो वो यहीं बनने की प्रक्रिया हमारी चालू हो जाएगी, जिससे किसानों को अपनी जो फसल है उसका एक अच्छा दाम मिलेगा। लहसुन की खेती को बढ़ावा देने और FPO से किसानों को जोड़ने से लेकर उत्पादन बढ़ाकर इसकी ब्रांडिंग करने तक के लिए शासन ने काम किया है। इसी कारण एक जिला एक उत्पादन योजना में लहसुन के मूल्य वर्धित उत्पाद जैसे गार्लिक पेस्ट इत्यादि बनाने पर समूह के माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया है, जिसकी वजह से अब लहसुन से बने उत्पादों को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिल रही है। और लहसुन की अच्छी क्वालिटी यहाँ आती है मंदसौर मंडी में, सबसे टॉप क्वालिटी आती है मध्य प्रदेश की, तो बाहर बहुत कम से कम मंदसौर से 16 प्रांतों में ऐसे माल जाता है 16 राज्यों में, और इसकी ग्रेडिंग मशीन से ग्रेडिंग होती है, जो 5 तरह की क्वालिटी बनती है इसमें, 5 क्वालिटी बनती है इसमें, वो सब दूर जाता है माल, और सबसे टॉप आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक बिहार उड़ीसा बंगाल बिहार पूरे बड़े बड़े राज्यों में ऐसे माल जाता है। मंदसौर की मिट्टी में सल्फर और पोटेशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से यहाँ की लहसुन से एक खास सुगंध आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मंदसौर की लहसुन सुंदर सफेद और कड़क है, बाकी जगहों की लहसुन की तुलना में इसे 6 से 7 महीने तक आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। लहसुन में अक्सर ड्राई मैटर कंटेंट है वो काफ़ी पाया जाता है, और आप देखेंगे कि यहाँ की लहसुन को आसानी से 6 महीने 7 महीने तक आराम से भंडारण करते हैं किसान लोग अपने लोकल तकनीक के आधार पर भी, तो इसलिए ये सब बातों को देखते हुए इस ज़िले का इसलिए वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इस फसल का चयन किया गया है, और इससे जो किसानों को आसानी से मार्केट उपलब्ध हो जाता है और उन्हें जो बड़े बड़े इसके ग्राहक हैं वो यहाँ पे आके लेते हैं, तो भाव में भी काफ़ी फायदा देखने को मिलता है। मंदसौर में लहसुन उत्पादन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सन 1970 में अचानक मिले भाव ने यहाँ लहसुन की पैदावार के रास्ते खोल दिए। मंदसौर के लहसुन सुंदर सफेद और गठीले हैं। यहाँ के लहसुन में ऑयल और तीखापन ज्यादा है। काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण लहसुन के लिए माहौल अनुकूल है। यहाँ की मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, साथ ही यहाँ की भूमि में पोटाश की मात्रा भी उपयुक्त है। मंदसौर वैसे तो औषधि और मसाले वाली फसलों के लिए फेमस जगह है। यहाँ पे बहुत सारी मसाले वाली फसलें होती हैं और जो औषधि फसलें होती हैं। लहसुन यहाँ की विशेष पहचान है। यहाँ पे चूँकि जो लहसुन के लिए आवश्यकताएँ होती हैं उगाने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी बढ़वार के लिए, वो यहाँ पे उपलब्ध हैं, और यहाँ की जो खास करके ब्लैक सॉइल है वो पोषक तत्वों से भरपूर मृदा है, और उससे भरपूर पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। साथ साथ यहाँ पे जो लहसुन के लिए ग्रोइंग पीरियड है, जो उसकी अवधि है, वो पर्याप्त लंबी है, और उस दौरान जो प्रकाश की उपलब्धता है वो भी काफ़ी रहती है, और जो तापमान की दशाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, इसलिए लहसुन में अक्सर ड्राई मैटर कंटेंट है वो काफ़ी पाया जाता है। आज मंदसौर में किसान FPO के बलबूते गेहूं सोयाबीन और लहसुन की खेती करके न केवल अपने घर की माली हालत सुधार रहे हैं बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। जिले में 30,000 से ज्यादा किसान लहसुन की खेती कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में लहसुन का 10% उत्पादन मंदसौर और उसके आसपास के इलाकों में होता है। मंदसौर में ये कोशिश प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के सपने साकार करती दिखाई दे रही है।
एक जिला एक उत्पाद की योजना के पीछे मुख्य सिद्धांत ये है कि हर जिले में कृषि से संबंधित जो एक उसकी अनूठी विशेषता है उसको उभारा जाए और उससे जुड़ी बुनियादी संरचना तैयार की जाए। इसके लिए सरकार सब्सिडी पर कई छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने की भी तैयारी कर रही है और किसानों को उसके लिए मदद दे रही है। लेकिन इस पूरी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रोसेस किए गए उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग का काम किस तरह से होता है, क्योंकि बिना प्रभावी मार्केटिंग के किसानों को उनके उत्पादों की सही कीमत दिला पाना कठिन होगा। मंदसौर से mandi.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। इस शानदार कहानी के बाद अब वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। उसके बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे NCDX की पाठशाला। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आइए चलते हैं पाठशाला, जहां कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट बीरेन वकील लेकर आए हैं आसान भाषा में वायदा बाजार का ज्ञान। NCDX पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ वायदा कारोबार यानी कमोडिटी फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि NCDX एक प्राइम और बहुत ही अच्छा माना हुआ वेल एक्सेप्टेड सर्वस्वीकृत प्लेटफॉर्म है, जहाँ अलग अलग जींस के वायदे के कारोबार होते हैं, जिसमें किसान, कंज्यूमर, उपभोक्ता, निकासकार, एक्सपोर्टर्स सभी अपने अपने हिसाब से अपना प्राइस और भाव का और सप्लाई का रिस्क भी मैनेज करते हैं और अच्छी प्राइसिंग डिसीजन अपने बिजनेस के लिए यूजफुल डिसीजन में इसका काफ़ी अहम सपोर्ट रहता है। अगर किसान की हित में, किसान के फायदे के लिए ये प्लेटफॉर्म किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह यूजफुल उपयोगी है, वो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ किसी भी चीज़ का सही दाम क्या होना चाहिए वो ये प्लेटफॉर्म बता सकता है। जबकि मंडी में कभी कभी फसल के दबाव होते हैं या कुछ सिलेक्टेड लोगों की मोनोपोली होती है तो प्रॉपर दाम किसान को नहीं मिल सकते, कभी कैश का प्रॉब्लम जिसमें क्रेडिट रिस्क उधारी का प्रॉब्लम होता है, पेमेंट की सिक्योरिटी नहीं होती है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें पेमेंट भी स्टैंडर्ड है और नॉर्म्स भी पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई कौन से दिन आपको डिलीवरी मिलेगी या आप डिलीवरी देंगे, तो काफ़ी सर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है। इसमें हम एक एग्जांपल लेके बात करें तो जैसे आप मंडी में सोयाबीन लेके जाते हो, मंडी में फसल का बहुत दबाव है और नेचुरली दबाव होने के कारण बायर वेट कर रहा है कि कल सस्ता मिलेगा, तो बायर नहीं ले रहा है माल और आपको मजबूरन नीचे भाव में माल बेच के आना पड़ता है। यही जगह अगर आप NCDX प्लेटफॉर्म पर आते हो, आपने देखा कि अभी फसल का भाव 3000 है आपकी उपज का और फ्यूचर्स सामने 3050 में बिक रहा है, तो आप एक महीना आपका फसल होल्ड करके इसमें बेचते हो तो आपको वो 50 रुपया ज़्यादा मिल सकता है और आपकी पेमेंट भी सिक्योर है। तो इस ज़माने में
ये काफ़ी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्पेक्ट कॉस्ट भी सस्ता हो गया और आपको सही प्राइस आपकी फसल के मिलने में ये प्लेटफॉर्म काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। Mandi.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।